To all about mathematics, if you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So, आज के इस वीडियो में हम CSIR NET June 2021 या फिर 16 Feb 2022 को जो CSIR NET mathematics का पेपर हुआ था उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट बी है तो जितने क्वेश्चन इस वीडियो में कवर होंगे उतने उसमें कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट बी। बाकी सारे क्वेश्चंस की क्वेश्चन आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, अब वहां से भी डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन सेज दैट लेट गामा विद अ पॉजिटिव ओरिएंटेड सर्कल। सर्कल इज गिवन एज जेड बिलोंग्स टू सी वेयर मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 3/2। सपोज दैट इंटीग्रेशन ओवर गामा एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू आयोटा स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू 2π आयोटा सी वेयर मॉड ऑफ सी इज इक्वल्स टू। हमें यहाँ से मॉड ऑफ सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, हमें यहाँ से सर्कल क्या गिवन है, सर्कल हमें यहाँ से गिवन है जेड मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 3/2। यानी यहाँ से हमें जो सर्कल गिवन है उसका सेंटर होगा हमारा ओरिजिन 0, 0 और रेडियस है हमारे पास यहाँ से उसकी 3/2। और हमें यहाँ से फंक्शन गिवन है एफ ऑफ जेड, हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, एफ ऑफ जेड हमें यहाँ से गिवन है एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई जेड डिवाइडेड बाई z माइनस वन इंटू जेड माइनस टू आयोटा होल स्क्वायर। ये हमें यहाँ से एफ जेड गिवन है क्योंकि एफ जेड की फॉर्म हमने इससे कंपेयर किया इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड से। सो एफ जेड हमारे पास यहाँ से ये आ गया। अब अगर एफ जेड हमारे पास यहाँ से ये बनना है तो यहाँ से इसके पोल्स हमारे पास कहाँ कहाँ बन रहे हैं, इसका एक पोल तो बन रहा है हमारे पास जेड इक्वल टू 1 पे। यहाँ से हमें जो भी एफ जेड गिवन है उसका डेनोमिनेटर हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, सो जेड इक्वल टू यहाँ से 1 आ जाएगा एंड देन दूसरी वैल्यू हमारे पास जेड इक्वल टू 2 आयोटा बन रहा है। अब जेड इक्वल टू 1 तो हमारे पास सिंपल पोल है और जेड इक्वल टू 2 आयोटा हमारे पास पोल ऑफ डिग्री 2 है। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें, हमें जो सर्कल गिवन है रेडियस हमारे पास 3/2 है और उसका सेंटर हमारे पास ओरिजिन है, तो यहाँ से हमारे पास जो 2 आयोटा पॉइंट आएगा वो हमारे पास सर्कल में आएगा ही नहीं। तो ये पॉइंट हम यहाँ से कह सकते हैं आउटसाइड द सर्कल आएगा, ये आउटसाइड आएगा और ये इनसाइड द सर्कल आएगा। अब जो भी पॉइंट हमारे पास, जो भी पोल हमारे पास इनसाइड द सर्कल आएगा उसी के लिए हम यहाँ से रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ से हम कोशी रेजिड्यू थ्योरम से क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड कैन बी रिटन एज हियर 2π आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू हियर। सो यहाँ से रेजिड्यू निकलेगा किस पर, रेजिड्यू सिर्फ जेड इक्वल टू 1 पे निकलेगा, जेड इक्वल टू 2 आयोटा जो आएगा हमारे पास रीजन से बाहर आएगा, फंक्शन पर एनालिटिक हो जाएगा। सो सिर्फ रेजिड्यू हमारे पास जेड इक्वल टू 1 पे बनेगा। सो रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 1 अगर हम फाइंड आउट करें, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 1 ये वैल्यू हमारे पास आएगी लिमिट जेड स्टैंडिंग टू प्लस 1 जेड माइनस वन इंटू एफ ऑफ जेड। तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें, एफ जेड को जेड माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड माइनस वन से जेड माइनस वन कैंसिल आउट रहेगा और रिमेनिंग टर्म हमारे पास यहाँ से राइट आउट किए जा सकते हैं, लिमिट जेड इज टेंडिंग टू 1 एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई जेड डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से जेड माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब जेड इज टेंडिंग टू 1 लेना है, सो जेड इज टेंडिंग टू 1 पे ये आएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2i होल स्क्वायर। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ से पहले हम रेजिड्यू ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रेजिड्यू हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई को हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर को अगर सिंप्लीफाई करें, यहाँ से वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर आएगा 1 प्लस ऑफ 2 आयोटा होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 2ab, तो माइनस ऑफ 2 आयोटा। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, कोस पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कोस पाई कैन बी रिटन एज हियर माइनस 1 एंड साइन पाई इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय, दिस कैन बी रिटन एज हियर 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज हियर माइनस ऑफ 4 और माइनस ऑफ 4 आयोटा। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये लिखा जा सकता है माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 4 आयोटा, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये राइट आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ से हम इसका रेशनलाइजेशन कर दें, तो रेशनलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, 3 माइनस ऑफ 4 आयोटा से डिवाइड और 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसे हम सिंप्लीफाई करके यहाँ से राइट आउट कर सकते हैं, 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी कैन बी रिटन एज हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 प्लस 16 विद रूट हियर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाय सिंप्लीफाइंग दिस वी कैन राइट इट एज हियर 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 1
और सम ऑफ रेजिड्यू, क्योंकि एक ही पॉइंट पर रेजिड्यू आएगा हमारे पास, ये वैल्यू हमने यहाँ से इसमें पुट करनी है। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये इक्वल आ रही है 2 पाई आर्टा इंटू सी। सो सी हमारे पास यहाँ से अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, सी इक्वल टू क्या आ गया, सम ऑफ रेजिड्यू। सो यहाँ से हम राइट आउट कर सकते हैं सी इक्वल टू सम ऑफ रेजिड्यू, रेजिड्यू केवल जेड इक्वल टू 1 पे बनेगा। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई सी इक्वल टू 3 माइनस 4 आइटा डिवाइडेड बाई 25। अब हमें मॉड सी की वैल्यू निकालनी है, यानी यहाँ से हमने इसके लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें, ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में हमारे पास वैल्यू हो तो उसका मॉड ऑफ सी, अगर ये वैल्यू हमारे पास सी के इक्वल हो तो मॉड ऑफ सी कैन बी रिटन एज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इसी तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, रूट ऑफ 3 बाई 25 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 बाई 25 स्क्वायर आ जाएगी हमारे पास यहाँ से वैल्यू। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 25 स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज हियर, स्क्वायर रूट साथ में आएगा, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से 25 बाई 25 स्क्वायर रूट, और यहाँ से 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैन बी रिटन एज हियर 1 बाई 25 रूट, विच इज इक्वल टू 25 का रूट आएगा हमारे पास 5, सो 1 बाई 5 आएगा हमारे पास यहाँ से फाइनल आंसर। सो अगर हम ऑप्शन से कंपेयर करें, 1 बाई 5 हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है विद ऑप्शन आई डी 1936 करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम पार्ट बी। सो अगर आप यहाँ से ये क्वेश्चन करने लगे और एक भी ऑप्शन अगर करेक्ट हो जाए, सो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन हमें कहता है, लेट एफ जेड बी द नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन एंड जेड इक्वल टू एक्स प्लस आल्टा वाई, वेयर लेट यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई डिनोट इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ से ध्यान देने लायक बात यह कि हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। यहाँ से यू और बी हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को डिनोट कर रहे हैं, और एफ हमारे पास एक एंटायर फंक्शन है। एफ अगर एंटायर फंक्शन है, नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन है, एफ एंटायर है, इम्प्लाइज एफ एनालिटिक होगा। एफ एनालिटिक होगा इम्प्लाइज सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सी आर इक्वेशन हमें क्या कहती है, सी आर इक्वेशन कहती है डेल यू बाई डेल एक्स, यू एक्स इक्वल टू होता है हमारे पास वी वाई के, और यू वाई इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस ऑफ वी एक्स के। सो ये होती है हमारे पास सी आर इक्वेशन। सो कोई भी अगर फंक्शन एंटायर है, इम्प्लाइज एनालिटिक है, इम्प्लाइज सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो यहाँ से हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। सो अगर फॉल्स स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ से यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स आएगा। सो यहाँ से ये तो करेक्ट बन रहा है, बट हमें फॉल्स बताना है। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन आई डी है हमारे पास 1922, ये ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यू एक्स इक्वल टू वी वाई ना होगी, यू एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वी वाई है। सो सारे फंक्शन के लिए ट्रू नहीं होगा, अगर हमारे पास एंटायर है, इम्प्लाइज एनालिटिक है, इम्प्लाइज सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सो यहाँ से ऑप्शन डायरेक्टली हम करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट तो ट्रू आ गया, सो ये तो यही हमारे पास डिस्कार्ड हो गया ऑप्शन। इसी तरीके से अगर बाकी ऑप्शन आप चेक करें, तो अगर हम एफ ऑफ जेड लिखें, एफ ऑफ जेड हमें क्या गिवन है, यू एक्स यू प्लस आइटा वी की फॉर्म में हमें यहाँ से गिवन है। सो अगर एफ डैश जेड निकालें, तो एफ का जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसका डिफरेंशिएशन करने से यू एक्स प्लस, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में ही कर लेते हैं इसका, तो एफ डैश जेड कैन बी रिटन एज ये यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हमें इस ऑप्शन में क्या कहा गया, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिया। सो अगर हम यहाँ से एफ डैश जेड स्क्वायर निकाल लिए, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, यहाँ से हम ए प्लस आइटा बी के लिए अगर ये फॉर्म निकालते हैं, तो वो लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस आइटा, ए प्लस आइटा बी के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जाता है। इसका मतलब होता है यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट का हम अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर पहले से दिया, अदरवाइज हमारे पास फॉर्म ये आती है एफ डेज जेड, एफ डेज जेड अगर निकाले, मॉड ऑफ एफ डेज जेड कैन बी रिटन एज ये यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा। सो हमें यहाँ से एफ डेज z का स्क्वायर चाहिए, ये हमारे पास लिखा जा सकता है यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम इसे यहाँ से देखें, तो हमारे पास ऑप्शन सी जो बन रहा है वो भी हमारे पास इसके सिमिलर बन रहा है, सो यहाँ से ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। इसी तरीके से यू एक्स कैन बी रिटन एज हियर वी वाई, सो एफ डैश जेड का स्क्वायर हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है यू एक्स की जगह वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स की जगह लिख सकते हैं यू ऑफ वाई माइनस में, सो माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा। सो वी ऑफ यहाँ से आ जाएगा हमारे पास यू ऑफ वाई, u of y square, so u of y square plus v of y square, तो यहाँ से ये भी true बन रहा है, but हमें incorrect false बताना है, so ये option भी discard हो गया। so यहाँ से हम directly अगर CR equations पता हो, तो यहाँ से option second directly correct कर सकते हैं। now come to the next question. so next question is also from part B. question says that let D is contained in C, B open unit disk, Z belongs to C such that mod of Z is less than 1 and sigma D
बी द स्पेस ऑफ ऑल होलोमॉर्फिक फंक्शंस ऑन डी कंसीडर अ सेट ए इक्वल्स टू वेयर एफ बिलोंग्स टू सिग्मा ऑफ डी एफ ऑफ 1 बाय एन इज इक्वल्स टू ई रेस्ट टू द पावर माइनस एन व्हेनेवर एन इज इवन एंड व्हेनेवर एन इज ऑड एफ ऑफ 1 बाय एन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड बी इज इक्वल्स टू एफ बिलोंग्स टू सिग्मा ऑफ डी वेयर एफ ऑफ 1 बाय एन इज इक्वल्स टू n minus 2 divided by n minus 1 whenever n is greater than equals to 2 which of the following statement is true हमें बताना है कौन सा statement यहाँ पे correct है a और b दो sets दिए हैं so अगर यहाँ से हम देखें इन sets को find out करने के लिए हम identity theorem का मिलेंगे identity या uniqueness theorem so identity theorem हमें कहती क्या है identity theorem कहती है if f be any analytic function in a domain b if f be analytic function in domain D, if F be any analytic function in a domain D and set S, if S be the set of zeros, set of zeros of F in D has a limit point in D, then f of z is identically zero. So, अगर हमारे पास zeros के set का limit point भी अगर D domain में ही हो, तो उस case में function हमारे पास identically zero होगा. So, अगर हम यहाँ से देखें, f of 1 by n, whenever n is odd, अगर हम इस condition से ले, जब भी n हमारे पास odd होगा, n odd, so f A सेट के केस में हम यहाँ से देख रहे हैं सो एफ ऑफ 1 बाई एन हम क्या राइट आउट कर सकते हैं एफ ऑफ 1 बाई एन आएगा हमारे पास 0 ये हमारे पास जीरोस का सेट हो गया अब जीरोस के सेट का अगर लिमिट पॉइंट उसी सेट में हो जाए तो उस केस में हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा आइडेंटिकली 0 हो जाएगा सो इस केस में हमारे पास फंक्शन क्या आ गया यहाँ से जीरोस के सेट का लिमिट पॉइंट हमारे पास इसी सेट में है सो इस केस में फंक्शन हमारे पास क्या बनना चाहिए एफ ऑफ जेड आइडेंटिकली जीरो बनना चाहिए बट एफ ऑफ जेड हमें यहाँ से गिवन है व्हेनेवर एन इज इवन इवन होने की केस में हम एफ ऑफ 1 बाय एन क्या लिखना है एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ यहाँ से हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ एन तो ये तो हमारे पास आइडेंटिकली जीरो को शो करता नहीं है और यहाँ से ये कंडीशन हमें कहती है आइडेंटिकली जीरो होगा सो यहाँ से दोनों कंडीशन आपस में कंट्राडक्शन होगी कंट्राडक्शन होने के केस में ए हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेट ए ऐसा कोई भी सेट ए हमारे पास होगा ही नहीं जो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करे सो ए तो हमारे पास कोई सेट होगा ही नहीं उसके अलावा अगर बी को हम टारगेट करें सो बी हमें गिवन है बी बिलोंग एफ बिलोंग्स टू सिग्मा ऑफ डी एफ ऑफ 1 बाय एन इज इक्वल्स टू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई एन माइनस वन सो एफ ऑफ 1 बाई एन ये गिवन है यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें एन अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से इसे हम राइट आउट कर सकते हैं 1 माइनस 2 बाई एन डिवाइडेड बाई एन इंटू 1 माइनस 1 बाई एन सो ये हमारे पास एफ ऑफ 1 बाई एन की वैल्यू आइडेंटिटी थ्योरम से ही अगर हम सिंप्लीफाई करें एफ ऑफ जेड हम यहाँ से क्या राइट आउट कर सकते हैं एन टू एन कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बाई एन की जगह हमने जेड रिप्लेस किया सो ये हमारे पास राइट आउट किया जा सकता है 1 माइनस ऑफ 2 जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ जेड अब अगर इस फंक्शन को यहाँ से देखें हम इस फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ पर है किसी भी फंक्शन में अगर ये हमारे पास रेशनल फंक्शन दिया हुआ है तो यहाँ से इस फंक्शन को हमारे पास जब भी डेनोमिनेटर जीरो होगा तभी होगी जेड इक्वल्स टू वन पर इस फंक्शन को प्रॉब्लम है बट हमें यहाँ से क्वेश्चन में क्या गिवन है एन की वैल्यू हमारे पास लेनी कितनी है एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेनी है सो एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेनी है तो जेड इक्वल्स टू 1 हमारे पास इस केस में ही नहीं आएगा अगर इस केस में ही नहीं आएगा तो यहाँ से हमारे पास एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है सो इस केस में यहाँ से दोनों फंक्शन हमारे पास इक्वल फंक्शन होंगे सो बी के केस में तो हमारे पास यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और ए हमारे पास कोई सेट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा सो ए हमारे पास एम्प्टी हो गया और बी हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट सो यहां से हमारा सेकंड ऑप्शन विद ऑप्शन आईडी 1926 करेक्ट आंसर होगा नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम पार्ट बी क्वेश्चन सेज दैट लेट एफ बी रैशनल फंक्शन ऑन अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड गिवन बाय एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड क्यूब प्लस 2z माइनस 4 डिवाइडेड बाय जेड देन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ टेलर सीरीज ऑफ एफ एट जेड इक्वल्स टू 1 हमें टेलर सीरीज के थ्रू यहाँ से इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है सो अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसके लिए निकालनी है तो अगर प्रॉपर फॉर्मेशन से जाए थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा पार्ट बी का क्वेश्चन ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं रखना हो तो उस केस में यहाँ से अगर हम देखें हमें यहाँ से सेंटर क्या लेना है जेड इक्वल्स टू 1 लेना है और यहाँ से किसी भी फंक्शन को हम जानते हैं अगर रैशनल फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसमें जब भी डेनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 होगा उसी केस में फंक्शन को प्रॉब्लम होती है ऑलमोस्ट या तो हमारे पास न्यूमिनेटर डिफाइन ना हो या फिर डेनोमिनेटर डिफाइन ना हो तो न्यूमिनेटर हमारे पास डिफाइन है
सर डेनोमिनेटर जब भी जेड इक्वल्स टू डेनोमिनेटर जीरो होगा उसी में प्रॉब्लम होगी, तो डेनोमिनेटर को इक्वल्स टू जीरो अगर करते हैं जेड इक्वल्स टू जीरो केस में होगा, तो जेड इक्वल्स टू जीरो हमारे पास इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी बन रही है, तो जेड इक्वल्स टू जीरो पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब हमें यहाँ से ये सर्कल इस तरीके से लेना होगा, यहाँ से इसके लिए अगर आर ओ से डिफाइन करी तो यहाँ से इसके लिए जेड इक्वल्स टू वन पे तो हमें इसका सेंटर लेना है। सो अगर हम यहाँ से देखें इस फंक्शन को, प्रॉब्लम कहाँ है हमारे पास, जेड इक्वल्स टू जीरो पे, मतलब फंक्शन को यहाँ प्रॉब्लम, फंक्शन का सर्कल हम यहाँ से सेंटर ले रहे हैं। सो हमें एक ऐसा सर्कल लेना होगा जिसका सेंटर तो जेड इक्वल्स टू वन आ जाए, बट रेडियस हमारे पास यहाँ तक इसके ये पॉइंट अगर हम आर ओ से लेंगे, तो जब भी हम किसी रेडियस आर लेते हैं तो आर के केस में जब भी कोई भी पॉइंट अगर इस आर के अंदर अंदर आएगा उस केस में तो ये हमारे पास कन्वर्स करती है उसके लिए। और यहाँ से बाउंड्री पर आने पर हम कह नहीं सकते, बाउंड्री पर कन्वर्स कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, बट बाउंड्री के बाहर हमारे पास फंक्शन हमेशा डाइवर्जेंट होगा। सो यहाँ से जब भी रेडियस की वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास वन ले रहे हैं और यहाँ से जीरो इसके ऊपर कन्वर्स नहीं कर रहा, जीरो पर ये कन्वर्स नहीं कर रहा है, सो यहाँ से जीरो हमारे पास इसके आरओसी में नहीं आएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, तो इसकी मैक्स रेडियस कितनी हो सकती है, इसकी मैक्स रेडियस हो सकती है हमारे पास वन, जीरो से वन के बीच में वन का डिफरेंस है, सो यहाँ से मैक्स रेडियस हो सकती है इसकी वन, सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हम डायरेक्टली इसी तरीके से इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is from part C. The question says that let f be an entire function such that mod of z f z minus 1 plus exponential z is less than equals to 1 plus mod of z for all z belongs to C. Then हमें find out करना है कौन सा option correct होगा। Part C का है तो multiple correct options यहाँ से हो सकते हैं। So अगर हम यहाँ से simplify करें, सबसे पहले exponential z का अगर expansion देखिए, exponential z का expansion होता है 1 plus z plus z square divided by 2 factorial plus z cube divided by 3 factorial and then so on here plus z raised to the power 4 by 4 factorial and then so on. So अगर हम exponential z की value हम expansion में यहाँ पर रख दें, substitute करें तो हमारे पास value क्या बनेगी, mod of z f z माइनस ऑफ वन, और एक्सपोनेंशियल जेड की जगह हमने सिंप्लीफाई कर देना है वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल एंड देन सो ऑन हियर बाय सिंप्लीफाइंग दिस प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट द ईच अदर और वी कैन इज लेस देन इक्वल्स टू, हमें यहाँ से गिवन है वन प्लस मोड ऑफ जेड। सो अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, अगर मॉड में कोई फंक्शन हो मॉड एम की हम वैल्यू हमेशा लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, सो अगर हम यहाँ से इसकी मिनिमम वैल्यू राइट आउट करें, मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है, इक्वल्स टू जीरो आ सकती है। सो यहाँ से मिनिमम वैल्यू हमारे पास इसकी क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू हम यहाँ से जीरो राइट आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, ये हम यहाँ से क्या लिखेंगे, जेड एफ जेड प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल एंड देन सो ऑन, इसकी जो वैल्यू आएगी मिनिमम वो हम जीरो राइट आउट करेंगे। मॉड एम की मिनिमम वैल्यू अगर जीरो, तो एम की वैल्यू हमारे पास एक्जैक्टली जीरो आई गई, तो यहाँ से हमने एम इक्वल्स टू जीरो सिंप्लीफाई कर दिया। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जेड एफ जेड, बाकी हम सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, तो यहाँ से हम जेड कॉमन ले सकते हैं, जेड अगर कॉमन ले लेंगे तो बाकी बची हुई टर्म आ जाएगी वन प्लस जेड बाई टू फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाई जेड स्क्वायर बाई थ्री फैक्टोरियल एंड देन सो ऑन हियर, और बाई सिंप्लीफाइंग दिस वी कैन राइट इट एज, यहाँ से f ऑफ z हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, z टू z कैंसिल आउट हो जाएगा, और f ऑफ z हम यहाँ से राइट आउट कर सकते हैं माइनस ऑफ 1 प्लस z बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल एंड देन सो ऑन हियर। सो अगर f डैश z निकालना चाहें तो f डैश z हम क्या राइट आउट करेंगे, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, सो माइनस ऑफ ये आएगा हमारे पास 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इन टू जेड एंड देन सो ऑन हियर। सो अगर हम क्वेश्चन से देखें, फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या कहता है, f डैश 0 की बात करें तो f डैश एट 0, f डैश एट जीरो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, जीरो पर वैल्यू देखें, ये वैल्यू जीरो में जाएगी और आगे z की ही टर्म्स आएगी, तो ये सारी वैल्यूज तो हमारे पास जीरो में आ जाएगी, माइनस ऑफ वन बाई टू आगे वैल्यू, अगर माइनस ऑफ वन बाई टू आई है तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन क्या कहते हैं, माइनस ऑफ वन, सो ये ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड होगा और सेकंड ऑप्शन हम डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने से यही बनाए। और यहाँ से एफ डबल डैश के लिए अगर हम सिंप्लीफाई करें, f डबल डैश अगर यहाँ से दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो f डबल डैश z हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस ऑफ, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन आएगा हमारे पास 2 बाई 3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट टाइम z स्क्वायर की आएगी, सो अगर उसका दोबारा भी डिफरेंशिएशन करेंगे z की टर्म रहेगी, लाइक अगर आप यहाँ से सिंप्लीफाई करें, यहाँ से z क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल आता, तो z क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल को अगर सिंप्लीफाई करो, इसका डिफरेंशिएशन 3 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, अगर इसका भी डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ से हमारे पास आएगा 6 z डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एंड देन सो ऑन। सो बाकी जो टर्म्स आ रही है वो जेड की आ रही है, सो जेड की टर्म आने की वजह से एफ डबल डैश एट जीरो अगर निकाली, एफ डबल डैश एट जीरो, ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, माइनस ऑफ 2 बाई 3 फैक्टोरियल, जिसे हम राइट आउट कर सकते हैं माइनस ऑफ 2 इंटू 3
थ्री थ्री फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, 3 into 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/3 आएगी वैल्यू। सो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें, एफ डबल डैश एट 0 -1/3 आई, सो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन आईडी 2118 और 2119 दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड रेस टू द पावर एम डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस जेड रेस टू द पावर एन, वेयर जेड इज बिटवीन मोड ऑफ जेड इज बिटवीन 0 टू 1, वेयर एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन जेड इक्वल टू 0 इज। हमें फाइंड आउट करना है जेड इक्वल टू 0 हमारे पास यहाँ से पोल बन रहा है या फिर एसेंशियल सिंगुलैरिटी बन रही है। So, सबसे पहले अगर हम सिंप्लीफाई करें, साइन ऑफ जेड रेस टू द पावर एन, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड गिवन है, एफ ऑफ जेड जेड की किसी भी वैल्यू जेड इक्वल टू ए पर हमारे पास यहाँ से जीरो वैल्यू बनती है। मान लो इसकी वैल्यू जीरो है। अब अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करें, एफ डे जेड आएगा, एफ डे जेड की भी जेड इक्वल टू ए पर वैल्यू जीरो ही बन रही है। इसी तरीके से जेड रेस टू द पावर एफ एफ ऑफ एन माइनस एम माइनस वन तक हमारे पास यहाँ से जेड इक्वल टू ए पर ये वैल्यू जीरो ही बनती है। और मान लो एफ ऑफ एम, f का m टाइम डिफरेंशिएशन किया एंड z इक्वल टू a पर ये वैल्यू नॉन जीरो आए, तो इस केस में f ऑफ z हमारे पास z इक्वल टू f ऑफ z, z इक्वल टू a पर m ऑर्डर का जीरो कहलाएगा, m ऑर्डर जीरो, जीरो ऑफ ऑर्डर m एट z इक्वल टू a। सो अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, इसके लिए पावर m दिया है, तो यहाँ से हमारे पास साइन z रेस टू द पावर m कितने ऑर्डर का जीरो हुआ, यहाँ से ये हमारे पास साइन z रेस्ट टू द पावर एम, दिस वन इज जीरो ऑफ ऑर्डर एम। इसी तरीके से यहाँ से वन माइनस को जेड को अगर सिंप्लीफाई करोगे, ये होगा हमारे पास जीरो ऑफ ऑर्डर एन, जीरो ऑफ ऑर्डर टू एन आएगा। क्योंकि अब जैसे साइन जेड के लिए अगर हम सिंप्लीफाई करें, एक साइन एम को हम ज्यादा आगे तक सिंप्लीफाई ना करें, अगर हम एम इक्वल टू वन ले लें, एम इक्वल टू वन के केस में हमारे पास साइन जेड ही रहेगा, साइन जेड हमारे पास जेड इक्वल टू जीरो ही दिया हुआ, जेड इक्वल टू जीरो पर हमारे पास वैल्यू जीरो आती है। अगर ये हमारे पास इसे पी ऑफ जेड माने, ये p ऑफ z आ गया, तो यहाँ से p डैश z हमारे पास क्या आएगा, cos ऑफ z, cos ऑफ z इसकी वैल्यू हमारे पास z इक्वल टू जीरो पर क्या बनेगी, z इक्वल टू जीरो पर 1 आ गया। तो यहाँ से एक बार डिफरेंशिएशन में हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, यहाँ से एक डिग्री का जीरो हो गया, सिंपल जीरो हो गया। इसी तरीके से अगर m इक्वल टू 2 हम लेते हैं, तो p ऑफ z हमारे पास क्या आ जाएगा, p ऑफ z कैन बी रिटन एज या sin स्क्वायर z, sin स्क्वायर z का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, p डैश z ये हमारे पास वैल्यू आएगी 2 sin z, और sin z का डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास यहाँ से cos ऑफ z। तो यहाँ से p डबल डैश z अगर निकाले, पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर ले, इसे हम लिख सकते हैं साइन 2z की फॉर्म में, साइन 2z z इक्वल्स टू 0 पर स्टिल वैल्यू 0 ही है। अगर p डबल डैश z अगर निकालेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा हमारे पास 2 cos ऑफ 2z, तो z इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 2 आ गई, नॉन जीरो वैल्यू आ गई। तो यहाँ से जीरो ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू 2 पर 2, जीरो ऑफ ऑर्डर 2 हो गया। इसी तरीके से अगर m के लिए देखेंगे, तो यहाँ से जीरो ऑफ ऑर्डर m हो गया। इसी तरीके से 1 माइनस cos z की पावर क्या है, n, तो 1 माइनस cos z को अगर सिंप्लीफाई करो, अगर n इक्वल टू 1 लोगे, सो 1 माइनस cos z हमारे पास qz की फॉर्म में, अगर इसे माने q ऑफ z क्या है, 1 माइनस ऑफ cos z। तो अगर यहाँ से z इक्वल टू 0 पर देखे, z इक्वल टू 0 अगर यहाँ से पुट करते हैं, तो यहाँ से ये तो कांस्टेंट है 1 रहेगा, माइनस ऑफ cos 0 की वैल्यू 1 आएगी, इक्वल टू 0 बन रहा है। तो q डैश z हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ से q डैश z हमारे पास यहाँ से बनेगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos ऑफ z का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin z, सो ओवरऑल वैल्यू आ गई sin z। अब यहाँ से z इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू 0 ही बननी है, तो q डबल डैश z निकालेंगे, q डबल डैश z हमारे पास बनेगा यहाँ से cos z, जो कि z इक्वल टू 0 पर नॉन जीरो वैल्यू आती है, हमारे पास 1 वैल्यू बन रही है। तो यहाँ से n इक्वल टू 1 के लिए कितने ऑर्डर का 0 बन रहा है, 2 ऑर्डर का 0 बन रहा है। अगर यहाँ से इसकी वैल्यू n हो, तो यहाँ से 2n ऑर्डर का 0 बनेगा, तो यहाँ से ये तो हमारे पास बन रहा है m ऑर्डर का 0, और ये हमारे पास बन रहा है 2n ऑर्डर का 0। तो हम जानते हैं अगर हमारे पास रेशनल फंक्शन की फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर f ऑफ z हमारे पास कोई भी फंक्शन है, p ऑफ z डिवाइडेड बाई q ऑफ z टाइप का कोई फंक्शन गिवन है, और यहाँ से ये हमारे पास m ऑर्डर का 0 बने, और ये हमारे पास यहाँ से लाइक r ऑर्डर का 0 बने, m ऑर्डर का 0 है ये, तो m ऑर्डर का 0 है pz, और r अगर हमारे पास qz हमारे पास r ऑर्डर का 0 है। तो अगर m की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन हुई r से, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर z इक्वल टू, अगर ये दोनों ही z इक्वल टू a पर ही हमारे पास 0 है दोनों, ये m ऑर्डर का 0 है और ये r ऑर्डर का 0 है, तो उस केस में अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन r हुई, तो z इक्वल टू a पर हमारे पास कौन सी सिंगुलैरिटी होगी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। और इन केस अगर m की वैल्यू इक्वल्स टू भी आर हुई, उस केस में भी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ही बनेगी, और अगर m लेस देन r हुआ, तो उस केस में z इक्वल्स टू a पर हमारे पास पोल सिंगुलैरिटी होगी, और पोल होगा r माइनस m ऑर्डर का। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें,
तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, यहाँ से अगर ऑप्शंस देखें, लास्ट ऑप्शन तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी बात करता है, बट हमारे पास यहाँ से अगर फंक्शन पॉलिनोमियल रेशनल फंक्शन होगा तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी का तो कोई केस ही नहीं बनता, तो ये ऑप्शन तो यहीं से डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन अगर यहाँ से लेते हो, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी अगर एम ग्रेटर दैन इक्वल टू टू एन हुआ। ये तो सीधी सी बात, अगर एम की वैल्यू यहाँ से हमने आर से ग्रेटर ली थी उस केस में ग्रेटर दैन इक्वल टू के केस में रिमूवेबल सिंगुलैरिटी थी, तो यहाँ से भी हमारे पास इस केस में रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ही बनेगी। सो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी व्हेनेवर एम इज ग्रेटर दैन इक्वल टू टू एन, और अगर एम की वैल्यू लेस देन टू एन हुई तो उस केस में हमारे पास पोल सिंगुलैरिटी होगी, तो यहाँ से पोल आ जाएगा। बट यहाँ से थर्ड ऑप्शन कहता है पोल सिंगुलैरिटी होगी व्हेनेवर एम इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2n, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तो यहां से इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन आईडी 2113 और 2114 करेक्ट आंसर होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।